महंगाई के मुद्दे पर दिल्ली में होने वाले कांग्रेस की देश बचाओ रैली पर लगा ब्रेक, नहीं मिली इजाजत। शरद पवार के साथ बैठक के बाद ममता बनर्जी बोली, अभी यूपीए नहीं है। हवाई यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बनाए अलग नियम, केंद्र ने खत लिखकर की गुजारिश। दिल्ली में पेट्रोल हुआ 8 रुपए सस्ता, सीएम की अध्यक्षता में वैट कम करने के प्रस्ताव पर लगी मुहर। 15 दिसंबर से नहीं शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, ओमिक्रॉन के खतरे के बीच हुआ फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए और इस दौरा का योगी महेश्वरी रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के श्री विष्णु सर्व की पूर्व हार्ती अद्भुत शांति महायज्ञ का समापन किया। ये यज्ञ परिक्रमा मार्ग के महर्षि आश्रम में खत्म हुआ। महायज्ञ 101 पुरोहित मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ हुआ। इस महायज्ञ का आयोजन नोएडा में महर्षिक वैदिक परिसर में 17 से 27 नवम्बर तक किया गया था, जबकि इस महायज्ञ की अध्यक्षता जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने की थी। मुख्यमंत्री जी को अनुरोध किया गया था, हम लोगों ने विष्णु महायज्ञ का आयोजन 17 नवंबर से 27 नवंबर तक नोएडा में किया है और उसके बाद समापन का फैसला ये हुआ कि महर्षि जी की धरती है ये, जहाँ उन्होंने आश्रम बनाया था महर्षि वैदिक विद्यापीठ परिसर में, वहाँ भी आयोजन किया गया। यही आयोजन 11 दिन तक चला और वही आयोजन यहाँ उसका समापन है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समापन में अंतिम आहुति डालेंगे और वो यहाँ इस कैंपस में होंगे। ये महर्षि जी द्वारा स्थापित पीठ है, यहाँ बच्चे। सोनभद्र के म्योरपुर में मकरा गांव में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जबकि मलेरिया व अन्य बीमारियों के प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए कांग्रेस कमेटी के जिला सचिव संजय मिश्रा ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात करके उनके हाल चाल जाना और कहा कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण मौत हो रही है। इस समय हम लोग जिला अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ लगातार मलेरिया और टाइफाइड की बीमारी से यहाँ पे मकरा गांव से लोग 8-10 लोग आए हुए हैं। हम लोगों ने हाल जैसे ही जानकारी मिली कांग्रेस की एक टीम यहाँ पहुँच गई है और हालचाल हम लोग ले रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें इस पूरी घटना के लिए स्वास्थ्य विभाग और मलेरिया निरीक्षक जिम्मेदार है, क्योंकि लगातार गाँव में न तो मलेरिया से संबंधित कोई कार्य किए गए, न मलेरिया का छिड़काव किया गया, न मच्छरदानी का वहाँ व्यवस्था किया गया, जिसके तहत लगातार गाँव में मौतों का सिलसिला जारी है। इसके लिए पूरी तरीके से स्वास्थ्य महकमा जिम्मेदार है और सरकार इस पर आँख मुद्दे बैठी हुई है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग इस मामले पर चुप नहीं बैठेंगे। कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भेजा गया है, इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। सोनभद्र में चौपन ब्लॉक के पदघड़ी गांव से कलेक्ट्रेट आए ग्रामीणों ने बिजली विभाग की करतूत को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि मोदी योगी अपनी बिजली वापसी ले और गरीब जनता कहां से इतना पैसा देंगे और हमें अंधेरे में रह लेंगे। पत्रघड़ी गांव से कलेक्ट्रेट पर आए ग्रामीणों ने बताया कि 2018 में सौभाग्य योजना से गांव में विद्युतीकरण कराया जाना था, जिसके लिए प्राइवेट संस्था ने सभी से आधार कार्ड को लेकर घरों में मीटर लगाया गया और कहा गया कि जल्द ही आपके घरों से बिजली आ जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि समय बीतता रहा लेकिन गाँव में बिजली नहीं आई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में विजय रथ यात्रा के दौरान बांदा में जनता से सवाल किया है। यहां अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधा और जनता से कहा कि आपको योगी सरकार चाहिए या योग्य सरकार। उन्होंने कहा कि जो लैपटॉप चला नहीं सकते वो दे भी नहीं सकते। आगे उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की सरकार ने नफरत फैलाई और बर्बादी की है और लूट की है। झूठे सपने दिखाने वालों को जनता बाहर कर रास्ता दिखाएगी। खास बात यह है कि बांदा में विजय रथ यात्रा के दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दी है। बुंदेलखंड की जनता ने पूरा का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया। सभी विधानसभाएं, सभी लोकसभाओं
को जिता करके भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया, उनके वादे झूमले रहे, बातें झूठी हैं। आज भी बुंदेलखंड के लोग पलायन कर रहे हैं। आज जब नीति आयोग कह रहा है, उसका आंकड़े आने तो सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या बुंदेलखंड में है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पे है। जिन्होंने सपने दिखाए थे, उन्होंने नौजवानों की नौकरी छीन ली, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। और वो समय बुंदेलखंड के लोग नहीं भूलेंगे, जिस समय लॉकडाउन हुआ, लोगों को अपने सहारे छोड़ दिया, जनता को जब सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए थी, जनता को अनाज छोड़ा, किस तरीके से भूखे प्यासे लोग यहाँ पर लौटे हैं। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता में लगातार समाजवादी पार्टी जाएगी। पिछली बार तो पूरा का पूरा बुंदेलखंड भाजपाइयों के पास था, इस बार बुंदेलखंड की जनता भाजपा। हरदोई के शाहबाद में पूर्व विधायक व समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी आसिफ खान बब्बू ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के कोने कोने से कार्यकर्ताओं ने हुजूम उमड़ पड़ा। पूर्व विधायक ने कहा कि 2022 में अखिलेश सरकार को जिताने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ पूर्व विधायक ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। आज समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो चुनाव सर के ऊपर है और आदरणीय अध्यक्ष जी का हम लोगों को हर हाल में 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये इतना बड़ा कार्यक्रम, इसलिए लोग आ रहे हैं क्षेत्र के अंदर क्षेत्र से, उनको लगा है कि 2022 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए बच्चा बच्चा हर गांव से कार्यकर्ता वर्कर भागता चला रहा है, उसकी आंखों में आस है, उम्मीद है जल्दी 2022 आए, जल्दी चुनाव आए, ताकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगले मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव। चंदौली में सर्विस लांच टीम और सदर कोतवाली पुलिस के हाथ सफलता लगी है। संयुक्त टीमों ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर टीम ने कार्रवाई की है। पकड़े गए साइबर ठगों के पास से पुलिस ने कई चीजें बरामद की हैं। छात्रों के पास से वोटर कार्ड, मोबाइल और 4 पहिया गाड़ियों को भी बरामद कर कब्जे में ले लिया है। आज जनपद चंदौली की स्वाट व सर्विलांस टीम ने मिलकर के 6 अपराधियों को पकड़ा है, जो धनी ऐप के माध्यम से पैसा दूसरे के खाते से ट्रांसफ़र करते थे और उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड ये फ्रॉड करके एकत्र कर लेते थे। इनमें से ऐसे पकड़े गए अपराधियों में से ऐसे लोग भी हैं जो कई संस्थाओं से, बैंकों से जुड़े हुए थे, जो लोन भी करवाते थे। लोन करवाने के लिए जो लोग जाते थे, उनके ये आधार कार्ड, पैन कार्ड किसी माध्यम से फ्रॉड करके प्राप्त कर लेते थे और इस जो धनी ऐप है, इसके माध्यम से पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करके। देवरिया के आईटीआई चौराहे स्थित सूर्य एचपी गैस के तत्वाधान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्राहक की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस सेवा पखवाड़ा के उद्घाटन करने के लिए दर्जा प्राप्त मंत्री नीरज शाही पहुंचे और इस ग्राहक संबंध और सेवा पखवाड़ा में महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला के तहत फ्री गैस दिया गया। दर्जा प्राप्त मंत्री नीरज भाई ने बताया कि हम सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निरंतर काम किया जा रहा है, सरकार के सभी योजनाओं को लाभान्वित करवाएंगे। और इस मौके पर दर्जा प्राप्त मंत्री नीरज शाही, सदर ब्लॉक प्रमुख पवन जायसवाल, सभासद के साथ कई लोग भी मौजूद रहे। आज पेट्रोलियम हिंदुस्तान ग्राहक संबंध सेवा पखवाड़ा के माध्यम से हर परिवारों के लोगों को यह गैस के हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, तो महिलाओं को भोजन बनाने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाए, भोजन की व्यवस्था हमें सुनिश्चित हो जाए और मोदी सरकार का यह लक्ष्य और मिशन रहा है। उन्होंने तय किया था कि हर घर परिवार में रसोई गैस देना है और उसी के माध्यम से आज भी ये प्रक्रिया निरंतर चल रहा है। आज इसी कड़ी में आज हम लोगों ने अपने परिवारों को, उन्होंने महिलाओं को उन्होंने वितरण किया है
और आगे भी जितने भी परिवार अभी वंचित हैं उन परिवारों को हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। फतेहपुर खजुआ कस्बा के पुरुषोत्तम इंटर कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय दो दिवसीय बाल खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीडीओ अनित शाह ने बाल सरस्वती की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए, दीप प्रज्वलित किया और इसके बाद ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नागेंद्र उत्तम ने फीता काट कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। खेलकूद प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शारीरिक रूप से फिट रखना है। प्रतियोगिता हर साल होती रही है बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता, पिछले कोविड के वजह से दो साल से होती नहीं, तो इस बार फिर शासन से आदेश आया कि प्रतियोगिता कराई जाए। प्रतियोगिता दो दिवसीय है, ब्लॉक स्तरीय और तीन दिवसीय जनपद में है, 3 तारीख से 5 तारीख तक। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 600 मीटर की दौड़ है। तांडी और जुनियर खो खो है, कबड्डी है, गोला फेंक है, भाला है और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ये सारे प्रोग्राम और ये 2 दिन तक चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस पुरुषोत्तम इंटर कॉलेज की धरती पे आके ही बड़ा अच्छा लगा, नमन करता हूँ यहाँ की धरती को, क्योंकि यहाँ का मैं पूरा छात्र रहा हूँ यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के बीच में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यही देश का भविष्य है, यही देश के कर्णधार हैं। यदि अच्छी तरीके से हम लोग गाइडेंस दे के इनको आगे बढ़ाएं और खेल कूद को जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें, तो हमें लगता है कि भारत देश में जो है खिलाड़ियों की और अच्छे प्रतिभागियों की कमी नहीं है। कि खेल कूद प्रतियोगिता बाल क्रीड़ा हो रही है, विकलांग बच्चों का भी, हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका भी खेल कूद प्रतियोगिता हो रही है और सभी जो भी हैं, दौड़ है, खो खो है, कबड्डी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं सब बारी बारी से किए जाएंगे 2 दिवसीय। इसके तत्पश्चात 3 दिवसीय जनपद में लगा हुआ है, 3, 4 और 5 तारीख को, जो हमारे जो ब्लॉक से प्रतिभागी बच्चे हैं जो जीतेंगे यहाँ पे, ये सभी बच्चे जनपद फतेहपुर जाएंगे, जिले में प्रतिभाग करेंगे, वहाँ से जीतने के बाद में फिर आगे जो भी मंडल का दिशा निर्देश कार्यक्रम होगा, जो भी डेट लगेगी। फतेहपुर में फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस घटना में बस सवार यात्री घायल हो गए हैं और घायलों को राहगीरों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं हादसे के दौरान बस के खाई में गिरते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। घटनास्थल पर पुलिस ने फंसी हुई सवारियों की मदद की। मैनपुरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरजातीय लुटेरे गैंग का इनामी शातिर सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने औरैया, जालौन, कन्नौज समेत कई राज्यों में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। हर साल होती रही है बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता, पिछले कोविड के वजह से 2 साल से होती नहीं, तो इस बार फिर शासन से आदेश आया कि प्रतियोगिता कराई जाए। प्रतियोगिता 2 दिवसीय है। मऊ में बीते एक महीने से चल रहे यातायात माह के समापन पर पुलिस अधीक्षक सुनील धुले ने पुलिस कार्यालय गेट से यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो गाजीपुर तिराहा से होते हुए फातिमा चौराहा पर खत्म हुई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने यातायात नियमों के बारे में जानकारी देते हुए लोगों से हेलमेट लगाने, सील बेल्ट लगाने और यातायात नियमों के पालन करने की भी अपील की है। ये आप सब देख रहे हैं कि पिछले पूरे माह में यातायात माह के रूप में इसको मनाया गया और इसका हमने गाजीपुर तिराहे पे उद्घाटन किया था 1 महीने पहले। पूरे महीने में अवेयरनेस से लेकर के एनफोर्समेंट तक हर चीज़ पे यातायात पुलिसकर्मियों ने और आरटीओ के विभाग ने भी काम इसमें किया है। आज इसका समापन यहाँ से किया गया है, एक बाइक रैली के रूप में लोगों को शहर में भेजा गया है, जो पब्लिक को भी एक मैसेज देंगे कि
देवरिया के तरकुलवा थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग छात्रा से गैंग का कुछ लोगों ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि जब वो शौच के लिए गांव के बाहर गई थी तो कुछ लोगों ने उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया और घटना के बाद ग्रामीणों ने पीड़िता को वापस घर पहुंचाया। वहीं इस पूरे मामले की अब पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और पुलिस का कहना है कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ ना बोलो गाय छेकत्र हुए हाँ। कहाँ पे उनके घर में ढेला की हाँ। तो किसी को सूचना दिए थे आप? हाँ प्रधान के बुला के ले हुई हाँ। प्रधान क्या कहे? प्रधान हुआ तो थाने फोन कर हुआ और क्या हुआ कोई हाँ। बात नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? कहाँ कराने वाले हैं? पलास खान के। क्या नाम है? चंदेश्वर यादव। लखीमपुर खीरी में चीनी मिल प्रबंधन की तरफ से किसानों व गन्ना भुगतान रोके जाने से आक्रोशित किसानों ने हंगामा किया। किसानों संगठन ने चीनी मिल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिशों में लगे हुए हैं। किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष श्रीकेश वर्मा ने कहा कि गोली चीनी मिल किसानों के पिछले सत्र का भुगतान नहीं कर रही है और इसको लेकर किसान आक्रोशित है। मैनपुरी औचा मार्ग के पास गाड़ी में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से चालक की मौत पर दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरे भांजे की हुई है। कैसे मौत हुई? ये गाड़ी स्वीट ट्रक चला रहा था, उससे गाड़ी शायद बैक हो रही थी तो वो तार के पोल नहीं दिखाई दिया, चालक तार नहीं दिखाई दिया, वो उसमें टकरा गई जाके टच होगी मतलब। संभल में पुलिस लाइन बहजोई में परिवहन विभाग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कई लोग शामिल हुए। बता दें कि यातायात माह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान एआरटीओ क्षेत्र अधिकारी चंदौसी गोपाल सिंह, बीएसए संभल यातायात प्रभारी अनुज मलिक सहित कई लोग उपस्थित रहे। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के मदद से और जो शिक्षा विभाग है उसकी मदद से ये यातायात माह का समापन का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था। इसमें उन बच्चों को सम्मानित किया जिन्होंने इसमें अपना विशेष योगदान दिया। साथ में यहाँ से मैसेज दिया गया कि जनपद के सभी निवासी जो यातायात के नियम हैं उनका पालन करें। जो यातायात में हमारे यहाँ की क्षति होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसको हम लोग कम करने के प्रयास में लगे हुए हैं। अनेक प्रकल्प और परियोजनाएँ इस तरह की चलाई जा रही हैं जिससे कि आने वाली सर्दी और कोहरे के मौसम में कम से कम दुर्घटनाएं हों। खबर जनपद मैनपुरी से है जहां करहल थाना क्षेत्र के नगला खुदेज में जमीनी विवाद को लेकर पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और मारपीट के साथ खूब गोलियां भी चली। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और बाद में विवाद की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन छात्रों पर इनाम की भी घोषणा की गई थी। अगस्त महीने में नगला कुंडे करहल थाना क्षेत्र में एक गांव है जहां पर कि डबल मर्डर हुआ था और इसमें चार अभियुक्त नामजद थे जिसमें से तीन अरेस्ट हो चुके थे। एक अभियुक्त परमानंद जो कि काफ़ी दिन से फरार चल रहा था जिस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा गया था, उसी को हमारी करहल की टीम और साथ में सर्विलांस और साइबर की टीम ने खोज निकाला है। औरैया के बिदुना कोतवाली में एक व्यक्ति की घर वापस आते समय सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल तेज रफ्तार अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी। घटना के बाद लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी के साथ मृतक के परिजनों को भी पुलिस ने सूचना दे दी है। शिशपाल सिंह, कहाँ रहते आप? पटना बेल आ रहे थे। अभी एक व्यक्ति मार्ग दुर्घटना में मृत हो गई है। हाँ, ये कौन है आपके? ये हमारे दाऊ के लड़का है। क्या नाम है इनका? जगजीत सिंह तोमर। ये कैसे हुआ, कहाँ गए थे? ये ग्वालियर गए थे जी, दाऊ के भाई है इनके, बहन को ढीलने जी, वहीं से वापसी लौट गए थे। कहे से थे ये? मोटरसाइकिल से। अच्छा, भाई ये घटना कहाँ पे हुई? ये तो मुझे मालूम नहीं है, 3-4 किलोमीटर के आसपास कुदरकोट के समीप।
थाना विधुना में। फिर आपको सूचना कैसे मिली? फोन द्वारा पहुंची है। कौन से सूचना मिली? तो वो आप किसी अब नहीं बता सकते कौन ने किया। जी जी। और जब फोन से आई ही आज बताया विधुना में आ जाओ। ये ताज नगरी आगरा में 11 साल से पीड़िता न्याय के इंतजार में है और दूसरी ओर आरोपी पति दूसरी पत्नी के साथ मौज कर रहा है, जबकि सबूतों को दरकिनार करके पत्नी की शिकायत पर पुलिस एफआईआर पर लगा रही है, जबकि आरोपी पति ने पहले पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी पत्नी से शादी कर ली और उनके दो बच्चे भी हो गए, जबकि सास ससुर की पति का ही साथ दे रहे हैं। वहीं संबंधित थाने में सुनवाई नहीं होने पर पीड़िता ने उच्च अधिकारियों के पास न्याय की गुहार लगाई। जब उसे यह भी दरकिनारा कर दिया गया तो पीड़िता ने सामाजिक संगठन महिला शांति सेना की मदद से गुहार लगाई है। जैसा कि बताया कि उत्पीड़न का केस है, 2008 में शादी हुई, 2011 में उत्पीड़ित करके लड़की को निकाल दिया गया। बड़ी मुश्किलों से ही अपनी जान बचा के वहां से आई, उसके बाद गलत तहरीर दे दी गई, उल्टे सीधी चीज़ें कर दी गई, जिसका सब होता रहा, लेकिन वो एक मामला था, वो चलता रहा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ देखने में आई, पहली बात तो ये कि हिंदू रीति शादी अधिनियम में एक पत्नी के रहते दूसरी शादी गैरकानूनी मानी जाती है। सबसे बड़ी चीज़ यह है, जब आप पत्नी है आपकी, अभी आपका डाइवोर्स नहीं हुआ था, तो आपने दूसरी शादी क्यों करी? ये सबसे बड़ा एक क्राइम है जो कि एक महिला के साथ एक पुरुष कर सकता है, क्योंकि महिला हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, पति का मार पीट बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेवफाई और दूसरी औरत अपने ऊपर नहीं बर्दाश्त कर सकती है। मेरी शादी विजय अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश अग्रवाल जी से हुई थी 2008 में। शादी के बाद वही दहेज उत्पीड़न और सब शुरू हो गया था। 3 साल तक मैं वहाँ रही, 2011 जब उन्होंने मुझे 2 दिन तक कमरे में बंद रखा, मारपीट करी, तो वहाँ पे पड़ोसी मुझे बचा के लेकर थाने पहुँचकर मेरे माँ बाप भी आए वहाँ पे, उन्होंने 498A का मुकदमा करा 498। और उसी टाइम दौरान मुझे पता चला कुछ दिनों बाद कि एक्स पार्टी डिवोर्स पिटीशन भी फाइल कर रखा है। उस पिटीशन के लिए हमने फाइट करा और मेरे परिवार, मेरे माँ बाप और मैंने फ़ाइट करा। 2016 में उनकी डिवोर्स पिटीशन खारिज कर दी गई, तब से वो मुझे ले जाने की बोल रहे, लेके नहीं गए। और दूसरे हाथ पे 498A में चार्जशीट लग गई। चार्जशीट लगने के बाद अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट से, जस्टिस से, न्याय से, जो मुझे न्याय मिलना था बचाने के लिए, उन्होंने ये 3 फर्जी दस्तावेज तहरीर अलग अलग डेट्स की नकली मोहर लगाकर, थाने की नकली मोहर लगा के तैयार करी और अपना स्टे ले लिया। स्टे लेने के बाद वो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। फाइनली जब इसका मैंने RTI निकलवाई और SSP सर के पास जाकर इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उससे ये प्राप्त हुआ कि ये अभिलेख नकली है, फर्जी है। और इसी उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।